अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से भारतीय जनता पार्टी का समर्पण निधि अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश के 65,000 बूथों पर कार्यकर्ता पुण्यतिथि समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जुटाने का लक्ष्य है। विधायक और सांसद और मंत्री भी इसमें सहयोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की समर्पण निधि संग्रह और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सभी समर्पण निधि में अपना योगदान देंगे। तो आज से समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार उनके कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में हैं, वो समर्पण निधि में अपनी सहयोग राशि प्रदान करेंगे। 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, क्या कहेंगे जी शरद? भारतीय जनता पार्टी शामिल बैठा करके विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों को अंजाम लगाता है ये बीजेपी। और इसी क्रम में जो समर्पण निधि है, समर्पण निधि का अर्थ ये है कि सीधे तौर पर अपने इच्छा से दी राशि वो कहीं ना कहीं इसमें इसे देखा जा सकता है। और आज से बीजेपी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये समर्पण निधि पूरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ है, तकरीबन 64,000 बूथ है, उन जगहों पर ये समर्पण कार्यक्रम होगा और सबसे कार्यक्रम होगा। इस निधि का संबंध के अंतर्गत कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंडल का हो, छोटे से लेकर बड़ा होता है, बॉटम जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी लोग इसमें शामिल होंगे और अपने समर्पण निधि का एक जो भी अंश होता है वो इसमें प्रदान करेंगे। तकरीबन 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के साथ अलग बता गया है और कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हमने देखा है कि स्वच्छता अभियान हो, चाहे संपर्क अभियान हो, विभिन्न प्रकार के अभियानों के माध्यम से बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करती है। और हमने देखा है कि यदि हम इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो पीपीवी मॉडल के तौर पर इसको देखते हैं। जब समर्पण के तौर पर एक छोटी सी राशि भी जुड़ती है तो कार्यकर्ता या फिर व्यक्ति जो है वो सीधे तौर पर जुड़ जाता है। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर ये कार्यक्रम भी कई मायनों में बीजेपी के लिए कई महत्वपूर्ण माना जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं,